बहुत सारे लोगों को ट्रैवल प्लान करना उतना ही मुश्किल काम लगता है जितना कि एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला सॉल्व करना, और यकीन मानिए एक ट्रिप प्लान करना उतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैं हूं सौरभ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 6 सिंपल स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप कोई भी प्लान आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिए। आज की तारीख में ट्रैवल करना बहुत फिजिबल और प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर प्लान करने से किसने रोका है ना, तो प्लान अभी कर लीजिए, ट्रैवल बाद में कर लीजिएगा। और सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने जो ट्रैवल प्लान हैं फ्यूचर के उनमें आप कम से कम 50% तक अपना कॉस्ट सेव कर सकते हैं ट्रिप का। ट्रैवल प्लान करने की लत एक बार लग जाती है तो ट्रैवलिंग से ज़्यादा मज़ा ट्रैवल प्लानिंग में आने लगता है, यकीन मानिए मेरे इस बात का। सो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, चूजिंग द डेस्टिनेशन। ये पूरे प्रोसेस का सबसे पहला बेसिक और सबसे ऑब्वियस स्टेप है जिसमें आपको अपना डेस्टिनेशन तय करना होगा। इस डिसीजन मेकिंग के लिए जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं वो है आपकी छुट्टियां, आपके पास कितनी छुट्टियां हैं स्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ कितना पैसा है खर्च करने के लिए, यानी कि आपका बजट। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या फिर डोमेस्टिक। इसके बाद आता है पर्सनल प्रेफरेंसेज, जैसे कि आपको बीचेस पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, सिटीज़ पसंद है, या फिर आर्ट्स, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके अलावा एक और फैक्टर गवर्न करता है आपके इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, वो होता है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पे तो नहीं जा रहे हैं, जैसे एनिवर्सरी है या हनीमून है, या फिर जनरली ऐसे ही जा रहे हैं। इसके अलावा आपके डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो शायद किसी और डेस्टिनेशन पे जाएंगे, फैमिली के साथ किसी और, सोलो में तो शायद किसी और डेस्टिनेशन पे। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की किसी छोटी कंट्री या यूरोप की किसी छोटी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इन कंट्रीज़ के साथ एक या दो कंट्री और ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करेंगे और ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे या कर पाएंगे। कारण है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं या यूरोप में जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना ट्रैवलिंग उतना कॉस्ट नहीं करता जितना कि इंडिया से वापस इन डेस्टिनेशंस पे आप दोबारा जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो डमी लोकेशन मैंने चुना है वो है मलेशिया, और उसके साथ जो सेकेंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है वो है सिंगापुर। इस प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है चूजिंग और शॉर्टलिस्टिंग द सिटीज एंड द एक्टिविटीज़। सेकेंड स्टेप में अगर आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया वो एक स्टेट है या एक कंट्री है तो वहाँ पे आपको सिटीज सेलेक्ट करनी होंगी, सिटीज़ के अंदर अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी होंगी, शॉर्टलिस्ट करनी होगी अपनी पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से। और इस पूरी प्रोसेस में हमारी मदद के लिए इंतजार करें गूगल बाबा मेरे कंप्यूटर पे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला जाए और पूरा प्रोसेस समझा जाए कि क्या है आगे का ये प्रोसेस इस स्टेप का। इस स्टेप के लिए सबसे पहले आप गूगल का सर्च बार खोल लीजिए, उसमें टाइप कीजिए प्लेसेस टू विजिट इन योर डेस्टिनेशन, इस केस में मलेशिया है। जब आप इसको सर्च रिजल्ट दबाएंगे तो आपको सारे टॉप सिटीज़ देखने को मिल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करके उसमें से सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप विजिट करना चाहते हैं। हमेशा टॉप 3 जो सिटीज़ हैं उस डेस्टिनेशन की आपको टॉप पर मिलेंगी। इस पूरी एक्सरसाइज को नोट डाउन करने के लिए आप चाहें तो एक्सेल शीट खोल सकते हैं, नोटपैड खोल सकते हैं, वर्ड खोल सकते हैं, या फिर सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं किसी पेन पेपर से। मैंने इस एक्सेल शीट में 3 कॉलम्स बनाए, क्या सिटी, दूसरा अट्रैक्शंस और तीसरा है नंबर ऑफ डेज जो कि उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने में लगेगा। इस केस में गूगल द्वारा सजेस्टेड टॉप के 3 सिटीज़ मैंने अपने लिस्ट में शामिल कर लिए हैं और उनको नोट डाउन कर लिया अपने एक्सेल में। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिटी बाई सिटी जाके क्वालालंपुर, जॉर्ज टाउन और लैंकाबी के जितने टॉप थिंग्स टू डू हैं उनको सेलेक्ट करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना है और अपने एक्सेल या फिर जो भी नोट पैड है उसके अंदर नोट करना है। पीछे वाला प्रोसेस ही हम मलेशिया की तरह सिंगापुर पे भी अप्लाई करेंगे। सिंगापुर में सर्च करेंगे, चूँकि सिंगापुर एक सिटी कंट्री है जहाँ पर आपको सिटीज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा मलेशिया की तरह, बल्कि ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ थिंग्स टू डू इन सिंगापुर। इस सजेस्टेड लिस्ट में से आप अपने पसंद के एक्टिविटीज और अट्रैक्शंस अपने एक्सेल में नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से तैयार हो गई हमारे पास लिस्ट उन 4 शहरों की और शहरों के अंदर एक्टिविटीज और उनके अंदर लगने वाले नंबर ऑफ डेज। तो इस केस में डमी सिचुएशन में मुझे लगने हैं 12 दिन इस ट्रिप के लिए। थर्ड स्टेप है डेट ऑफ ट्रैवल डिसाइड करना और ट्रिप का ड्यूरेशन डिसाइड करना। सेकेंड स्टेप के बाद ही आपके पास एक लिस्ट होगी सिटीज़ की, उन अट्रैक्शंस की, उन एक्टिविटीज़ की जो कि आप करना चाहते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस ट्रिप के लिए कितने दिनों की ज़रूरत है या फिर आपके पास जितने दिन हैं उन दिनों में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
ट्रिप का ड्यूरेशन डिसाइड होने के बाद आपको डिसाइड करना था ट्रैवल डेट्स का, वो भी बहुत सारे केसेस में प्री डिसाइडेड होते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपकी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कर रहे हैं समर वेकेशंस पे या विंटर वेकेशंस पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर जब भी बच्चों की छुट्टियां हो रही है उसके हिसाब से। पर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है डेट्स डिसाइड करने का, तो शोल्डर सीजन में ट्रैवल कीजिए। शोल्डर सीजन बेसिकली जो पीक सीजन है और जो लीन सीजन है उसके बीच का पीरियड होता है। इस शोल्डर सीजन में होटल्स काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं और अट्रैक्शंस पे भीड़ बहुत कम होती है, तो आप बहुत आसानी से और बहुत इन्जॉय कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाके। आप अपने डेस्टिनेशन के साथ शोल्डर सीजन जब गूगल में जाके टाइप करेंगे, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जहां आप जाने वाले हैं वहां के लिए शोल्डर सीजन कौन सा है। इस प्रोसेस का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बस 3 स्टेप्स और आपके पास होगा एक परफेक्ट ट्रैवल प्लान। पिछले 3 स्टेप्स में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन में कौन कौन सी सिटीज़, अट्रैक्शंस, एक्टिविटीज़ करनी है, आपको कब ट्रैवल करना है और कितने दिनों के लिए ट्रैवल करना है। ये सारे डिसीजंस हम पिछले 3 स्टेप्स में ले चुके हैं। सो अगला जो स्टेप आता है वो होता है ट्रैवल बुकिंग एंड वीज़ा। अगर आप अपने देश में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कार से, बस से, ट्रेन से या फिर फ्लाइट से। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको बुक करनी होगी फ्लाइट्स। और इस मुद्दे पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ 15-20 मिनट का, जिसका लिंक यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और साथ ही मैं वो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। जो मैंने डमी लोकेशन सेलेक्ट की है मलेशिया और सिंगापुर, उसके लिए भी छोटा सा मैं वीडियो क्लिपिंग आगे ऐड कर रहा हूँ। फ्लाइट की प्राइसेज के लिए बेस्ट टूल लगता है मुझे स्काई स्कैनर, जिसमें मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया मल्टी सिटी, मुंबई टू मुंबई वाया क्वालालंपुर एंड सिंगापुर, डेट्स रखे हैं मैंने सितंबर के, और प्राइस जो बेस्ट ऑप्शन दिखा रहा वो है लगभग 21,000 रुपये का। इसमें एक साइड है वन स्टॉप और दूसरे साइड से है नॉन स्टॉप। चलिए एक बार जो डेस्टिनेशन है उनको स्विच करके भी देख लेते हैं। क्वालालंपुर जाने की जगह सिंगापुर जाते हैं और वापसी करते हैं क्वालालंपुर से सेम डेट्स के लिए, और देखते हैं प्राइसेज क्या आती हैं। इस केस में जो प्राइस दिखा रहा है वो 19,562 रुपीज़, और चीपेस्ट ऑप्शन है लगभग 18,000 रुपये का। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपको एक नॉन स्टॉप फ्लाइट मिलती है और एक वन स्टॉप। अब मल्टी सिटी और रिटर्न टिकट्स के बीच में कंपेयर करने के लिए बारी बारी से सिंगापुर और कुआलालंपुर के रिटर्न टिकट्स भी चेक कर लीजिए, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो मल्टी सिटी टिकट्स हैं उनमें वैल्यू फॉर मनी आपको ज़्यादा मिलती है। अगर आप किसी बड़े स्टेट में या फिर किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मल्टी सिटी ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे। इससे आपके ट्रैवल एक्सपेंस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो वीज़ा भी पिक्चर में आ जाता है। वीज़ा की प्लानिंग भी अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर आप किसी का ऐसी कंट्री में जाने वाले हैं जैसे कि इंडोनेशिया है या मालदीव है, जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, या फिर ऐसी कंट्री जैसे कि मलेशिया या सिंगापुर, जहाँ पे आराम से ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वीज़ाज के केस में आप 8-10 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। पर अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर शेंजन कंट्री जैसी जगहों पे, तो आपको वीज़ा के लिए भी काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और काफ़ी एडवांस आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पिछले स्टेप में आपने ट्रैवल बुकिंग कर ली, चाहे वो फ्लाइट रही हो या फिर ट्रेन रही हो, बस रही हो, या आपने कार का इंतज़ाम कर लिया, आपके घूमने का इंतज़ाम हो गया, आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने का इंतज़ाम हो गया। अब आपको इंतज़ाम करना होगा आपके रहने का। आप चाहे जो भी एकोमोडेशन बुक कीजिए, होटल्स हो, B&Bs हो या हॉस्टल्स हो, उनके एक बार रिव्यूज़ पढ़ दीजिए, उनके वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, फिर अगर आपको ठीक लगे तो ही आप बुकिंग कन्फर्म कीजिए। अगर आप सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि आप सिटी सेंटर में ही अपना एकोमोडेशन बुक कीजिए, जिससे दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जितने अट्रैक्शंस होते हैं दुनिया के सारे शहरों में, वो सिटी सेंटर के आसपास ही होते हैं। और अगर आपको उस शहर से दूसरे किसी शहर में ट्रैवल करना है, वो भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन उन शहरों के सिटी सेंटर में ही होते हैं। ये है छठवां और आखिरी स्टेप हमारे ट्रैवल प्लानिंग प्रोसेस का। इस स्टेप में हम बात करेंगे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की। तो अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है अपने डेस्टिनेशन के अंदर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो कार रेंटल्स हो, टैक्सीज हों, बसेज हों, ट्रेन्स हों या फ्लाइट्स हों, वो चाहे अपने देश में हो या अब्रॉड में हो। सारे ट्रैवल ऑप्शंस का अलग अलग कॉस्ट और कन्वीनियंस होता है। आप अपने लिए जो बेस्ट है वो चुनिए बाई बैलेंसिंग कॉस्ट एंड कन्वीनियंस।
ज़्यादातर केसेस में इंटरसिटी ट्रैवल पहले से बुक करना ज़्यादा सेंसिबल होता है। अगर ट्रेन्स बुक कर रहे हैं तो बाद में बुक करने पे शायद आपको सीट्स ना मिले, फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं और तो प्राइसेस ज़्यादा हो सकती हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन वेरी करता है डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। जैसे यूरोप में टैक्सी जितनी महंगी है कि आप हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चुनोगे, वहीं साउथ ईस्ट एशिया में टैक्सी बहुत महंगी तो नहीं है पर इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है वो शहर कि आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग लगेंगे। दुनिया के ज़्यादातर शहर टूरिस्ट के लिए अनलिमिटेड पासेज इशू करते हैं जो काफ़ी कन्वीनियंट होता है और कॉस्ट सेविंग। तो जिस भी शहर में आप ट्रैवल कर रहे हैं एक बार गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिएगा कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़्यादातर अट्रैक्शंस जो आप देखना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं एंट्रेंस पे काफ़ी सारा पैसा आपसे वसूलती हैं। इन टिकट्स को खरीदने के केस में आप कुछ पैसा सेव कर सकते हैं अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या विंडो से टिकट ना खरीदते, आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट्स खरीदते हैं जैसे कि क्लू या मेक माई ट्रिप या के डे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अट्रैक्शन टिकट्स खरीद सकते हैं और कुछ पैसे बचा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एकोमोडेशंस अपने ट्रैवल डेट से 15-20 दिन पहले ही बुक कीजिए, हो सके तो रिफंडेबल ऑप्शन में, क्योंकि ट्रैवल प्लान का क्या है वो कभी भी चेंज हो जाते हैं। अट्रैक्शन के टिकट आप सिर्फ एक या दो दिन पहले बुक कीजिए जिस दिन आपको उस अट्रैक्शन पर जाना हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा सजेशन रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था कि आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल कीजिए तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लीजिए। छोटा सा प्रीमियम होता है पर आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है फ्यूचर में। तो ये थे वो 6 स्टेप जिससे आप परफेक्ट ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। अगर पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, फीडबैक हो, कोई मैं स्टेप मिस कर गया हो या किसी स्टेप में आपको लगता है कि और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कमेंट में बताइए, मैं एक और वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, कीप ड्रीमिंग, कीप प्लानिंग, एंजॉय योर लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।